नमस्कार, मैं सर्वेश आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ टाटा मोटर की BS6 S गोल्ड प्लस व्हीकल। यहाँ पर टाटा का लोगो दिया गया है, बिल्कुल लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको तो वाइपर दिया गया है, तो गाड़ी का ये ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का है। ये साइड मिरर दिया गया है ताकि ड्राइवर पीछे की सीटों को आसानी दे सके। इसमें 12 इंच का रेडियल ट्यूबलेस टायर दिया गया है, सस्पेंशन के साथ में दो कमानी आगे, एक्साइड की बैटरी, यूरिया का टैंक, ये है इसका चेचिस, और पांच कमानी नीचे दी गई है। यहाँ पे डीजल का टैंक दिया गया है, यहाँ से आप डीजल भरवा सकते हैं। 7 फुट 2 इंच इसके ढाले की लंबाई है और 4 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है। पीछे देखेंगे तो टाटा की ब्रांडिंग की गई है। इसके नीचे 3 सेंसर दिए गए हैं ताकि अगर ड्राइवर गाड़ी पीछे करे, इसके पीछे कोई खड़ा है तो उसे पता चल जाए कि पीछे कोई खड़ा है, गाड़ी वो रोक ले। स्टेपनी दी गई है, ये भी 12 इंच की है। ग्राउंड क्लीयरेंस भी इसका ठीक ठाक है। पीछे साइड में ड्रम ब्रेक दिया हुआ है और आगे साइड में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। गियर शिफ्ट एडवाइजर के साथ में गाड़ी आती है। ये ड्राइवर साइड का गेट है, ये इसकी छोटी सी स्टेयरिंग है खूबसूरत सी। यहाँ पर देखेंगे तो आप आरना का बटन दिया गया है, यहाँ से लाइट एडजस्टिंग के लिए दिया गया है। ये डिजिटल मीटर दिया गया है। स्टेयरिंग में पार्किंग का स्विच दिया गया है, यहाँ से ड्राइवर इसका उपयोग करके गाड़ी के चारों तरफ की लाइट जला सकता है और डिजिटल मीटर पे यहाँ पे ये शो भी होगा। इसके अलावा ये रूफ लैम्प दिया गया है, ड्राइवर इसका उपयोग करके रात में अपना जरूरी का जो भी काम है, लिखा पढ़ी कुछ केबिन के अंदर कर सकता है। साइड मिरर दिया गया है, कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड है आगे का। यहाँ पर 5 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट दिया गया है ताकि ड्राइवर इसका उपयोग करके अपना मोबाइल चार्ज कर सकता है। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगा सकता है। रीजनरेशन की बटन दी गई है, जरूरत पड़ने पे ड्राइवर इसका उपयोग कर सकता है। पावर का बटन दिया गया है, इसका उपयोग करके वह गाड़ी का बेटर माइलेज निकाल सकता है। ग्लोव बॉक्स दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर हैंडब्रेक दिया गया है। 4+1 गियर के साथ में आती है। पीछे वाटर बॉटल सर्विस बुक के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। यहाँ से इंजन ऑयल फिल किया जा सकता है। कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर लुक है। एस गोल्ड डीजल प्लस BS6 की अगर सर्विस बुक की बात करें तो ये है इसकी सर्विस बुक, और इसमें आपको डीजल प्लस और पेट्रोल दोनों की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, व्हीकल डायमेंशन फॉर डीजल व्हीकल विथ लोड बॉडी, रियर ट्रैक, व्हील बेस, ओवरऑल लेंथ, फ्रंट ट्रैक एंड वेट, ओवरऑल हाइट। यहाँ पे फ्लैट लोड बॉडी डिटेल दी गई है और इधर विथ लोड बॉडी पेट्रोल की दी गई है। और ये पेट्रोल की फ्लैट लोड बॉडी डिटेल है। ये हाई डेक की डिटेल है। इसके बाद हम इसकी अब एस गोल्ड डीजल डिटेल की बात करें तो टाटा 700 CC DI BS6 इंजन इसका, 2 सिलेंडर का इंजन है, 702 CC का है, 45
NM का टॉर्क जनरेट करता है ये। 4+1 गियर में गाड़ी आती है ये। फ्रंट में आपका डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है। 30 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जो DF का टैंक है वो 10.5 लीटर का है। पेट्रोल में देखेंगे तो 26 लीटर का ये फ्यूल टैंक आता है पेट्रोल का, CX का। 65 किलोमीटर टॉप स्पीड है S Gold डीजल प्लस की, और पेट्रोल की जो पहले आती थी उसकी 70 किलोमीटर, और जो करंट टाइम में पेट्रोल आ रही CX उसकी भी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। व्हीलबेस इसका 2100 mm है। फ्रंट ट्रैक 1300, रियर ट्रैक 1320, ओवरऑल लेंथ 3800, मैक्सिमम विड्थ 1500। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का है। ग्रॉस व्हीकल वेट गाड़ी का 1675 है S Gold डीजल प्लस का, और जब आप पेट्रोल CX पे जाएंगे तो उसका 1510 है। 925 kg S Gold डीजल का कर वेट है, अब पेट्रोल का 740 kg कर वेट है। पेलोड जो है वो 750 kg है डीजल प्लस का भी, और पेट्रोल का 740 kg है। तो कुछ इस तरह की S Gold डीजल प्लस और गोल्ड पेट्रोल CX की सर्विस बुक है। खूबसूरत गाड़ी है, आशा करते हैं कि आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। धन्यवाद।